अभी उन्होंने कहा कि इतने साल नैब ने हाथ नहीं लगाया था अलीम खान को, अभी क्यों लगाया है? दैट इज़ माई क्वेश्चन. देखें, 5 साल जब पीपल्स पार्टी थी उस वक्त भी नैब ऑर्डिनेंस था, लेकिन हमने एक कल्चर जो है वो हमारा कल्चर रेकन्सिलिएशन का था. वी वांटेड टू मूव फॉरवर्ड. बीबी शहीद हो चुकी थी. अगर किसी ने लूटा है तो रेकन्सिलिएशन उसके साथ. लेकिन 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 क्या ये एहतसाब हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या तरीका है? आप इसको पिक एंड चूज कर रहे हैं. आप इसमें भी पिक एंड चूज कर रहे हैं कि अरेस्ट कौन होगा. आप इसमें भी पिक एंड चूज कर रहे हैं कि घर में जाकर किसकी तजलील होगी. आप सब ये देखें पस मंजर. आप ये सवाल पूछें कि पिछले हमारे टाइम में नहीं हुआ, इनके टाइम में कुछ हुआ पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन फिर भी इतना नहीं. जब ये आते हैं तो बिल्कुल एक फील्ड ओपन हो जाता है. वाई? बिकॉज इन्होंने ये नैरेटिव स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड किया कि जी 10 साल इनकी आपस में मुकमुका है, करप्शन के बाजार गर्म है, नहीं था ये आपस में. मैं गुजारिश जिस वक्त आपको याद है चौधरी निसार अली खान साहब खड़े होके कहा करते थे खुर्शीद शाह साहब के बारे में, मेरे पास फाइल्स आई हैं, मुझे पता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ करप्शन की है, और फिर आगे कुछ नहीं होता तो आम नहीं, एक आदमी तो जो देख चौधरी निसार ने अभी क्या कहा है उनका? आपने लेटली बयान सुना है नैब के बारे में? नैब के बारे में नहीं बात कर रही. It is being abused, but I'm just saying कि जब आप बात ये करेंगे कि फाइलें आई हैं मेरे पास और उसके बाद कुछ नहीं होगा खुर्शीद शाह साहब के बारे में. देखिए तो सारा इशू ये है कि पहले तो तरीक़ेकार एक तो गलत है. तरीक़ेकार इसलिए गलत है कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं है कि आप, फिर उसके बाद विद इन द लॉ इतने घिनौने किस्म का ये लॉ है कि आपका 90 दिन रिमांड, खून के केस में भी 14 दिन का रिमांड होता है.